व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूवी सीन रिएक्शन। अल्लू अर्जुन की मूवी, मैं हूँ लकी द रेसर। पार्ट फोर तक हमने रिएक्ट कर दिया, पार्ट फाइव पे करने वाले हैं। और लास्ट पार्ट में हमने वो देखा था ना, जहाँ पर वो मंत्री वो एमएलए था, उसको मंत्री पद भी दे दिया था उसके, जैसे बच्चे को बचाया उसने, वो सबको लगा उसके ऊपर पूरा डाइवर्ट कर दिया। तो अभी तक आपने बाकी पार्ट देखे तो जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लू अर्जुन ओपी जरूर जाए कमेंट में एक बार। और भैया बड़ा मजा आ रहा है, मूवी बहुत मस्त लगी अब तक, फनी भी है एक्शन भी है। तो रेडी, 1 2 3 गो। चेकिंग चल रही है तुम्हारे एसीबी का ना, ये भाई सामने। ओह माय गॉड, हम दौड़ चु वो बस गया है। छोड़, हमेशा क्या बजना, जाने दे। उसके साथ में लड़की भी है सर। साथ में लड़की है? अच्छा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सर आपको बुला रहे हैं, चलिए। लकी, नाम क्या है? नाम बोल। लकी। लकी, लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी मुश्किल से पटाई है। अच्छा गर्लफ्रेंड, तुम कहाँ से आ रहे हो? मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूँ। साथ लाए हो क्या? तू खाएगा क्या? प्रसाद। तुम इसे कब से जानती हो? 2-3 महीने से जानती हूँ। वो तो लग ही रहा है, तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो। वैसे देखने में तो ये चोर लगता है। आपको गलतफहमी हुई है सर। ओहो, रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, पता है? कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी, कुछ कमी ने लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। हेलो, हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे? रेस्पेक्ट, ड्रंक एंड ड्राइव केस, रेस्पेक्ट दूंगा ना सर, कभी अकेले में मिलिए ना, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। अच्छा बता, काम क्या करता है तू? मैं वो इंजीनियर। और रहता कहाँ पर है? मेरा एड्रेस वो मजबूरी है सर, इसका यूएस जाने का ड्रीम था, मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया। बाप रे। वीजा नहीं मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए है। लकी, बढ़िया मैनेज करता है। वैसे अभी काम क्या करता है तू? बेरोजगार हूँ सर, बेरोजगार। बेरोजगार है तो पैसा कहाँ से आता है? तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। रिटायर्ड ऑफिसर। इनकम वो मेरे एक बड़े भैया भी है सर। ओहो, भैया की मेहनत के पैसों से तू इसके साथ? एक्सक्यूज मी सर, हम किसी के भी पैसों से ऐश करें, आपको क्या, आप दे रहे क्या पैसे? आप इनके भैया के बारे में नहीं जानते, वो भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है। रियली? हाँ, लेकिन थोड़े से मेंटल है। मेंटल? हाँ मेंटल। मेंटल? कितना बोलती हो तुम? अरे तुम चुप करो, अपने मेंटल भैया को फोन करो। हाँ? फोन करो अपने मेंटल भैया को। शट अप, शट अप। मेंटल भैया को? तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली डिटेल्स बताओ। मेरी फैमिली के बारे में क्यों जी, लकी के बारे में पूछे ना। मेरे घर पे अभी हमारे बारे में पता नहीं है ना। हेलो, परेशान क्यों कर रहा है तू? ए, लॉकअप में डाल। सर कितना फाइन चाहिए बता दीजिए ना, हम देकर चले जाएंगे, हम स्टूडेंट्स हैं सर। वर्मा सर, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए इस लड़की की। ओ हेलो, क्या है केस, क्या है? हम दोनों ओवर 21 है, लाइसेंस है, ऊपर से मैंने लिमिट में पी रखी है, अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो। पता चला लड़की साथ में तेरे, इसलिए छोड़। अच्छा एटीट्यूड। क्रिमिनल्स को पकड़ो। सर जाने दीजिए सर, आप ही का भाई क्या? आप इसमें रहते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ो, फुल बदमाशी। इसके भैया मेंटल है थोड़े से, इनका लगी चल रहा होता है यहाँ सीन। पीटी में तो बदलाव आ गया, कब आएगा क्या पता। आपके शेख का टाइम हो गया सर, मिल्क शेक सर। और ये क्या, अब मैं क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अबे आजकल तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं, मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो। मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन है वो? लकी है डैडी। साफ बता दिया। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी?
पूछने के लिए बचा ही क्या है, कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना? डिग्निफाइड बकवास है। भाषा, भाषा कैसी है उसकी? डीसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे। डैडी मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ, उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। कुछ डिटेल नहीं जा रही। उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। दे हैंड टू हैंड। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। जो कहते हो सही है। एक बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा। आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए, वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है। कंप्लेन आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। सारी बात इसमें बता दी। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। सीधी बात। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। कितनी जल्दी। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए। ससुर जी देखिए, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ? तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको। हेलो एक्सक्यूज मी। उससे पहले इसे मारो। अरे बाप। ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था। उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ये अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए, जान चाहिए, तो अभी झुकिए, जवाब चाहिए, जान चाहिए। ससुर जी आ जाइए, आ रहे, जल्दी कीजिए। अरे वो कहाँ गया? वो कौन है मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बका, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। बदकिस्मत इसे ढूंढने के लिए एक महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। इसलिए मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। ए, सारे हथियार ले दो। ये लो रखो, ये हथियार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए, चलो रे, काम हो गया। ये भाई साहब छोड़ गए, ये भी बढ़िया था। मौज करा दो। इमोशंस। ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना, मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है? फैशन शो जाकर आ रहा हूँ। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए
एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था। रे बाप रे, हालत खराब है। मौत से नाता खतरा है, पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। वो पीछे से क्या कह रही, शेर को सवा शेर मिल गया। ओ भाई साहब, बहुत तगड़ी बना रखी पिक्चर तैयार, सच में आग लगा दी इस सीन ने तो, धुआं उठा दिया। मतलब मेरे को लगा एक्शन एक्शन हुआ इसमें, अलग ही एक्शन था इस वाले सीन में, अलग ही कॉमेडी। स्टार्टिंग वाले सीन भी बढ़िया था कि आपका भाई पकड़ा है, चलो जान दो उसको, जान सर लड़की अच्छा ले उसे, क्या डिटेल निकाल इसकी। ऐसे ही भोले चेहरे होते जो क्रिमिनल होते हैं कि वो कहती इसके भाई भी पुलिस में है, वो थोड़े मेंटल है, थोड़े मेंटल है। चुप कर, कह रही अपने मेंटल भाई को फोन लगाओ। उसी टाइम पे और फिर जिस एटीट्यूड में निकले ना वहां से, ऐसे चलते चलते गए वहां से। फिर वो जो मीटिंग हो रही थी उसकी वहां पर पापा से, तो पापा कह रहे मीटिंग किस करो, उसी टाइम हैंड टू हैंड। वो तो आपको मान चुका है ससुर, बस आपको दिक्कत है, तो आप जाओ मिलने। और भाई साहब ऐसी जगह बुलाया जहाँ पर पहले तो चाकू मिला, लगता है यहाँ एक मर्डर हुआ था, कल वही लोग आए। वो उसके बाद वो चाकू के बाद फिर वहाँ ब्लास्ट हुआ, फिर बाद में ऐसे कहते हैं पूरे गर्व के साथ, ऐसे एटीट्यूड में, लगता है हमला मेरे ऊपर ही हो रहा है। मैंने कहा ले भाई, उसे छोड़ के भाग गया वो, मेरे वही छोड़, पता है मुझे हर उसमें लग रहा था टेक्निक ही बचाएगा, उसकी पीठ पे चढ़ के कूद के कह रहा अब तुम आ जाओ। भाग गया। और फिर जिस तरीके से जो लास्ट में हृदय परिवर्तन हुआ ना उन गुंडों का, कह रहे भाई साहब इसको दे दो हथियार, इसकी भी जिंदगी नरक हो चुकी है, इसको दे दो, इसको जान दो, जीने दो अपनी जिंदगी। और ये मूवी का अगले पार्ट देखने और ही मजा है, एक्साइटमेंट क्रिएट जाता है अगले पार्ट के लिए, बड़ा मजा। जिस जगह पे छोड़ते ना इस पार्ट में, जैसे वो घर में एंट्री मारी, वहां खड़ा ऐसे प्रहरी, वो क्या कह रहे हैं आपको भी चेंज कर दिया, मजा आ रहा होगा ना, मजा आ रहा हो, मजा। मैं कह रहा हूँ भाई, तो स्वाद आ गया इस सीन को देख के भी। और अल्लू अर्जुन की देखो, कल हमने उसमें सराय रोडू के एक्शन सीन पे दिया, टेंपल फाइट सीन पे दिया था रिएक्शन, वो भाई साहब उसमें कितना ऑपोजिट वो है ना एकदम से, यहाँ कॉमेडी एकदम ही, हाँ वहाँ इंटेंस, वहाँ इसमें थोड़ा जॉली सा एकदम मस्त सा एकदम बंदा, और वहाँ एकदम ही बहुत सीरियस। यही होती है एक्टर की पहचान, कि आपकी हर एक एक्ट के हिसाब से अपने आपको ढाल लेते हो। एंड अल्लू अर्जुन ओपी जय कमेंट में कह रहा है बहुत बड़े था और एक्टिंग बढ़िया करते, और श्रुति हसन ने अपना किरदार बहुत बढ़िया निभाया हुआ है इसके अंदर, जो वैसे दिखाया थोड़ा सा शांत स्वभाव की, हल्का सा जॉली नेचर, बिल्कुल इमोशंस को छुपा के रखने वाले। तो मिलते हैं आपसे एक अपडेट के साथ, बाय।